डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम डीडी रोबोकॉन 2024 में आपका बेहद स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके के एक्शन भरे रहे ये दो दिन डीडी रोबोकॉन के, किसने जीता वो फाइनल कुवेटेड टाइटल और आगे वियतनाम में कौन रिप्रेजेंट करेगा अपने देश को। प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित डीडी रोबोकॉन 2024 रविवार को संपन्न हो गया। इस दो दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता में देश भर के युवाओं ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा का प्रदर्शन किया। देश के अलग अलग हिस्सों की टीमों ने डीडी रोबोकॉन 2024 के दौरान अपनी रचनात्मक क्षमता से सबको हैरान कर दिया। बेहद कड़े मुकाबले में अहमदाबाद की निर्मा यूनिवर्सिटी टीम पुणे की सीसीओआई यूनिवर्सिटी टीम को हराकर खिताब जीतने में सफल रही। इस कामयाबी का उत्साह और खुशी की चमक पूरी टीम के चेहरे पर अलग ही नजर आई। भारत के सार्वजनिक लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने इस आयोजन को शानदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कार्यक्रम की लगातार लाइव कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए प्रसार भारती की टीम ने व्यापक प्रबंध किए और 50 घंटे से अधिक निर्बाध प्रसारण चला। डीडी न्यूज के अपर महानिदेशक पंकज पांडे ने सफल आयोजन पर खुशी जताई और इसे गौरवान्वित करने वाला अवसर बताया। वहीं प्रसार भारती के डीडीजी ग्लोबल आउटरीच प्रकाश वीर ने इसे रोमांचक अनुभव बताया। आईआईटी दिल्ली ने भी इस शानदार कार्यक्रम के सफल आयोजन पर प्रसन्नता जाहिर की। आई विल कांग्रेचुलेट द ऑल द टीम्स दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस, नॉट द जस्ट द विनर्स, बिकॉज ऑल 46 टीम्स हु हैज मेड टू दिस इवेंट, दे ऑल बीइंग कंसीडर्ड एज अ विनर फॉर मी। सो आई विल कांग्रेचुलेट एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड इन दिस। इस सफलता के बाद अहमदाबाद की निर्मा यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए न केवल तैयार है बल्कि उत्साह और उल्लास से भी भरी हुई है। डीडी रोबोकॉन 2024 के उनके अनुभव वैश्विक स्तर पर देश का नाम रोशन करने में बहुत काम आएगा। डीडी रोबोकॉन 2024 के फाइनल विनर्स जो हैं वो घोषित हो चुके हैं। निर्मा यूनिवर्सिटी ने जीता है वो फाइनल टाइटल डीडी रोबोकॉन 2024 के एडिशन में। कितने एक्साइटेड हैं आप फाइनली आपने फिर से एक बार ये टाइटल जीता है? एक्साइटमेंट तो है ही, क्योंकि पिछली बार हम जब आए थे तो हमारा हैट्रिक चांस मिस हो गया था, तो इस बार खुशी हुई हमको कि फिर हम 11 टाइम चैंपियन बने। आप फिर से एक बार चैंपियन बने, ऐसी क्या चीज थी, ऐसी क्या खासियत थी जो आपने हमेशा इम्प्रूव करी है अपने गेम में जो आप एक बार फिर चैंपियन उभरे हैं? हम मतलब रोबोट को ऑप्टिमाइज करते जाते हैं, रन लेते रहते हैं, तो वही मतलब सीक्रेट होगा जो भी होगा। साथ ही साथ जो लाइफ स्किल्स होते हैं वो क्या यहाँ से आप लेके जा रहे हैं इस पूरे कॉम्पिटिशन से? हर बार पार्टिसिपेट करते हैं, हर बार कुछ नया सीखते हैं, वो सब क्या है? हम लोग जो भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो उधर जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है वो इधर से ही मिलता है, क्योंकि हमें मतलब जो भी कॉलेज का होगा करिकुलम उसमें ये सब इंक्लूड नहीं होता मोस्ट प्रोबेबली, तो वो सब हमें इधर सीखने को मिलता है ज़्यादा, जो उधर जाके काम आता है हमारे 10 साल भी मतलब सुधर जाते हैं आगे जाके। प्रसार भारती ने ये ऑर्गेनाइज कराया इवेंट आईआईटी दिल्ली के साथ, और जिस तरीके का एक्सपोजर आपको मिला है इस कॉम्पिटिशन के द्वारा, आप ऑर्गेनाइजर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऑर्गेनाइजर ने अपना पूरा ट्राई किया है अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए सारी इवेंट को, और हर एक टीम ने अच्छी तरह से पार्ट लिया है, और हर साल टीम अपना बेस्ट दे रही है, दूसरी नई नई टीम भी। आप क्या कहना चाहेंगे सर, बहुत बड़ी विक्ट्री है एक बार फिर से, सूचे सारो छे रोबोकॉन तुम्हारो छे हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? टीम हमेशा अच्छा प्रदर्शन देती है और जीतती भी है। हाँ, टीम जीतती है, दो तीन रीज़न है, एक तो उनका हार्डवर्क है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, मैंने इंस्टीट्यूट का सपोर्ट भी है, बट द अदर मेजर फैक्टर इज दैट वी ऑल्सो गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम द अवर एल्यूमनाइज, सो अवर दिस करंट टीम इज ऑलवेज इन कनेक्शन विद एल्यूमनाइज, सो वेन एवर दे स्टक अप दे ऑलवेज गेट कनेक्टेड टू द एल्यूमनाइज एंड दे गेट द फुल सपोर्ट, सो आई थिंक दैट इज ऑल द कनेक्शंस एंड द लेगेसी दैट दे आर फॉलोइंग, दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट वी आर बीइंग। तो ये सुना आपने पूरी विनिंग टीम को, जो बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही खुश भी है। D
डीडी रूबिकॉन 2024 में खास बात ये रही कि इधर जितने भी प्रतिभागी आए थे वो पिछले एक साल से लगातार इस प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ना केवल अपने रोबोट खुद बनाए लेकिन साथ ही साथ उनके ऊपर जितनी मेहनत करी उसको पिछले डीडी रूबिकॉन के एडिशंस को लगातार रेफर करते हुए देखते हुए काफ़ी सीख भी ली। चलिए बात करते हैं इन स्टूडेंट्स से, इन प्रतिभागियों से कि कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। हमारे साथ मौजूद है माइटी एमआईटी, जिनको हमेशा आपने देखा होगा, इनकी जो दहाड़ है पूरे स्टेडियम में गूंजती है जब भी ये जीतते हैं। पृथ्वीराज, जो आप कप्तान हैं इस टीम के, जब भी हम आपकी पार्टिसिपेशन एमआईटी की बात करें, हर साल एमआईटी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, क्या इंस्पिरेशन रही है हमेशा आप जब भी रोबोट उसका कॉन्सेप्ट सुनते हैं और उसको बनाने बैठते हैं? बेसिकली हमारी इंस्पिरेशन वही होती है कि हम बस हमारे इंडियन रोबोटिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं जूनियर लेवल पे और अपने इंडस्ट्रियल लेवल पे भी। तो हम हर साल बस पुरानी टेक्नोलॉजी को लेते हैं, हमारी नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं रोबोट्स में। तो बस इंडियन रोबोटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए हमारी वो एक इंस्पिरेशन है। और आपकी इस मुहिम में आपको अपने कॉलेज की तरफ से और स्पेशली ऐसे इवेंट्स जो डीडी रोबोकॉन करा रहा है, आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती साथ मिलकर करा रहे हैं, उनसे कैसी हेल्प मिलती है और कैसी इंस्पिरेशन मिलती है? हमारे कॉलेज की तरफ से हमें बहुत हेल्प मिलती है। बेसिकली जो हमें बजट वगैरह लगता है तो हम कॉलेज हमें बहुत इजीली प्रोवाइड कर देता है। फिर हमें फैकल्टी वगैरह हेल्प करते हैं, हमारे पास एडवाइजर्स होते हैं कि कैसे काम करना है वगैरह। फिर कोई नॉन टेक्निकल हेल्प होगी तो वैसे भी हमें मदद मिल जाती है डीडी की तरफ से। कुछ इशू आता है तो रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, वैसी हेल्प मिल जाती है हमें। डीडी रोबोकॉन ऑलमोस्ट हर साल हो रहा है 2019 से जब हम बात करते हैं, किस तरीके का बढ़ावा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके की अरेंजमेंट की गई है, आपको मीडिया एक्सपोजर भी मिलता है, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर आप अपने स्किल को शोकेस कर सकते हैं, किस तरीके का बढ़ावा ऑल टुगेदर आपको लगता है यहाँ पर? डेफिनेटली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोगों का बॉट्स देख सकते हैं, हम लोग अपना बॉट्स देख सकते हैं, लोगों का इनोवेशन देख सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो फिर एक सबके लिए एक बढ़ावा ही है एंड इससे हम लोग को आगे हर साल नई चीज़ें करने में प्रेरणा मिलती है। और साथ ही साथ हम जब आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, नई जनरेशन की बात कर रहे हैं, नई जनरेशन बहुत टेक्नो फ्रेंडली है और बहुत ही फास्ट मूविंग पेस से वो आगे बढ़ भी रही है, उन सबको देखते हुए आपका ये स्किल सेट आगे आपको कैसे हेल्प करेगा? ये स्किल सेट हम लोग मतलब ऐसा है, ये फास्ट मूविंग हम लोग जाने वाले हैं, तो ये स्किल सेट हम लोग को इनोवेशन पे, हाउ टू इनोवेट इन एवरीथिंग, कैसे आप हर चीज़ में एक इनोवेशन डाल सकते हो, हर चीज़ में न्यू चीज़ आप इनोवेट कर सकते हो, तो वो चीज़ों में हम लोग को बहुत वो करते हैं। एंड ऑल्सो इसके पीछे जो हार्डवर्क रहता है वो हार्डवर्क हम लोग अभी से सिखा देते हैं कि हर चीज़ के पीछे डेडिकेटेड हार्डवर्क रहता है एंड वो हमेशा करते रहना है। इनोवेशन के साथ साथ इक्वल पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे काफ़ी सारे फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स भी हैं जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और महिलाओं की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी होता है महिलाओं को ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना? महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, बिकॉज लड़कियों को जितना एक्सपोजर मिलना चाहिए आउटसाइड इंडस्ट्री में, इवन इफ इट इट्स अबाउट रोबोटिक्स या बाहर कहीं पे जाना हो, तो रेस्ट्रिक्शंस कहीं ज़्यादा होते हैं। सो जब उन्हें ये इतना एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है, उनके आइडियाज़ बाहर निकल आते हैं, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द टीम, फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर एवरीथिंग व्हेन वुमेन आर देयर टू सपोर्ट। वुमेन को सपोर्ट इक्वली मिल रही है कॉलेज की तरफ से, बाहर एक्सपोजर भी इक्वली मिल रहा है, डीडी रोबोकॉन जैसे इवेंट्स जो होते हैं आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, इन सबको देखते हुए फ्यूचर वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए कैसा लगता है? हमारे कॉलेज और हमारे टीम के थ्रू और डीडी के थ्रू हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, विच इज़ वेरी गुड एंड आई फील लाइक फ्रॉम नाउ ऑन रोबोटिक्स में वुमेन का होना इतना सरप्राइजिंग कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो इट विल बी अ गुड चेंज, तो अच्छा लगता है। यहाँ से आप क्या अपनी लर्निंग्स लेके जाती हैं? टीम स्पिरिट एंड फिर सबके साथ कैसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं, दूसरी टीम्स के साथ कैसे रहते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी कि ये जितने भी आप रोबोट के मॉडल बनाते हैं वो बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे आप रिसाइकल आइटम्स को वापस रिसाइकल करते हैं और यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे जो फ्रेम्स होते हैं रोबोट्स के वो प्रीवियस ईयर्स के होते हैं, बस हम उन्हें थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं ताकि ज़्यादा खर्चा ना हो, ज़्यादा मटेरियल इन्वेस्ट ना हो उसमें, तो वहाँ पे एक होता है। फिर हमारे बोर्ड्स जो होते हैं
वो भी हम थोड़ा उन्हीं में थोड़ा डेवलपमेंट करके वही बोर्ड्स वापस यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से हम मटेरियल बचाते हैं वैसे चीज़ें। तो ये सुना आपने पृथ्वी और उनकी पूरी माइटी एमआईटी टीम को, जो एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख रहे हैं, लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं और अपने आप को अपस्किल भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित ठाकुर के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़। डीडी रोबोकॉन 2024 की खास बात ये रही कि फीमेल महिला पार्टिसिपेंट्स भी इक्वल नंबर में आई और उन्होंने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भागीदारी ली। पिछले एक साल से वो जो तैयारियां कर रही थी वो तो हमें उनकी बहुत काबिलियत के साथ देखने को मिली, उस जिस तरीके के रोबोट्स उन्होंने बनाए, लेकिन उसकी कला का कोई मुकाबला नहीं। डीडी रोबोकॉन की पहल केवल एजुकेशन, केवल स्किल सेट या केवल एक इवेंट के नाम पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भी है। SRM यूनिवर्सिटी वो उन चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ में से हैं जहां पर महिला प्रतिभागी सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं। फिलहाल हमारे साथ पूरी SRM यूनिवर्सिटी की महिला शक्ति मौजूद है। जब हम बात कर रहे हैं इस इवेंट की, इस कॉम्पिटिशन की, और महिलाओं को जब इससे जोड़ते हैं तो हमेशा इसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन अभी ये बहुत ही कॉमन नॉर्म बनता जा रहा है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी एक नॉर्मल हो चुका है कि दैट गर्ल्स आल्सो आर इन रोबोकॉन एंड वर्किंग इन इट, और मज़ा आता है दैट वी हम एक साथ काम कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और हम एक साथ काम करते हैं। पिछले एक साल से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एज अ टीम, हमने हमारी जितनी भी जान इस पे लगा दी है, दो बॉट्स पे आप देख सकते हैं, हम रात रात भर सब बैठ के काम किए हैं, तो उससे एक टीम का जो कोऑपरेशन होता है वो बिल्डअप होता रहता है, तो वो सब देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक साथ हमने इतना अचीव कर लिया है जो हम अकेले नहीं कर सकते, तो दैट इज़ वॉट अकॉर्डिंग टू मी रोबोकॉन शायद उसी के बारे में है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, रोबोकॉन उसी बारे में भी है कि महिलाओं को और सभी को इनफैक्ट एक इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। आपने बोला रात रात भर आप बैठ के काम करते हैं और काफ़ी टाइम से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये एक अलग इमेज दिखाता है महिलाओं की भागीदारी के बारे में भी, जहाँ पर टाइम कोई लिमिट नहीं है, जहाँ पर मेहनत कोई लिमिट नहीं है, और जहाँ पर जब हम पोटेंशियल्स को टैप करें उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। इस नई बदलती इमेज को कैसे देखते हैं? इस नए बदलते इमेज को हम ऐसे देख रहे हैं कि इससे हर साल कितना हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे इस काम से कितना प्रोग्रेस हमें खुद मिल रहा है, हमारे कॉलेज को मिल रहा है, पूरे देश को हमारा बेनिफिट, मतलब उनको बेनिफिट हो रहा है हमारे फीमेल पार्टिसिपेशन से, जितनी भी मेहनत हम अभी कर रहे हैं और कुछ सालों में करेंगे, किसी दिन ये पूरा एक अमाउंट हो जाता है, एंड इससे हमारा फीमेल पार्टिसिपेशन दिखता है कि इन जनरल क्यों इतनी ज़रूरत है इसकी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इन जनरल बहुत ज़रूरत है इसकी जब हम बात करें, और महिलाओं की बात करें और टेक्नोलॉजी और महिला बहुत काफ़ी नई फील्ड नज़र आती है। कितना इंटरेस्टिंग, कितना एक्साइटिंग या कितना नर्वसिंग था आपके लिए जब आपने ये फील्ड चूज़ करी, जब आपने ये इवेंट की तैयारी पिकअप की? वैसे जब मैं पहली बार रोबोकॉन ज्वाइन की थी, क्लब ज्वाइन की थी, तब मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मैंने सीनियर से सुना था कि टेक टीम्स आर नॉट नाइस टू गर्ल्स, और फिर उसके बाद बट व्हेन आई गॉट इनटू रोबोकॉन, जब मैं रोबोकॉन में आई, सीनियर्स बहुत सपोर्टिव थे और वो ऐसे जेंडर पे जज नहीं करते थे। पहले जजिंग क्राइटेरिया बस तुम कितना एंथुजियास्टिक हो, तुम कितना हार्ड वर्किंग हो, और तुम कितना आवर्स देते हो, एंड हाउ स्मार्ट यू आर, योर स्किल सेट बेसिकली। तो अगर वही सिर्फ जजिंग क्राइटेरिया रहता है फॉर एवरीथिंग इन दिस कंट्री, दैट विल बी बेटर, और वही होना चाहिए सबके लिए। जेंडर कभी भी कोई जजिंग क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, और इसको देखते हुए काफ़ी बदलाव हमने देखे हैं ऑफ लेट, आप लोगों की यहाँ पे प्रतिभा जो भाग्यता है वो भी काफ़ी कुछ दर्शाती है। आपका बेस्ट मोमेंट क्या रहा है अभी तक? माई बेस्ट मोमेंट बेसिकली इन रोबोकॉन वॉज the time I spent with all of these people. They're all like family to me, they're all very supportive of each other. So I think every moment we have is the best moment. Every time we're testing new mechanisms, a lot of things that goes on in the lab, everything is just amazing with, you know, when you have people as supportive as they are and they're helping you grow, it's a nice environment to have. रोबोकॉन की तैयारी में समय बहुत जाता है और साथ ही साथ बहुत सारा एफर्ट लगता है, कभी कोई चैलेंजेस देखे हैं आपने?
हाँ टाइम के चैलेंजेस होती है, मैनेज करने के चैलेंजेस होती हैं, बट आई थिंक वी आर एबल टू डू दैट राइट, एज वुमेन वी आर मल्टीटास्कर्स है ना, सो वी कैन डू दैट. इट्स लाइक लोग मानते हैं कि हाँ औरतें शायद नहीं कर पाएंगी एक चीज़ दो बहुत सारी चीज़ों को हैंडल, बट आई थिंक हम सब में वो क्षमता है करने की. एंड आई थिंक हमारे सीनियर्स इतने सपोर्टिव रहे हैं कि दे गाइड अस, दे हेल्प अस जब भी कोई दिक्कत हो. सो यस, क्षमता की बात करें तो रोबोकॉन के प्लेटफॉर्म ने वो इमेज बिल्कुल चेंज कर दिए, बदल दिए. महिलाएं भी उतनी ही स्ट्रांग होती हैं और उतनी ही क्षमता होती है. या आई मीन या लाइक अभी तो वी हैव सो मेनी फीमेल पार्टिसिपेंट्स एंड आई फील लाइक दिस शोज वुमेन एम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेस. एंड आई फील लाइक एक टाइम आएगा जब ये इतना नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा कि हमको अलग से बोलना नहीं पड़ेगा कि हाँ वुमेन इज, यू नो, वी हैव वुमेन ओवर हियर, लाइक बिकॉज हम लड़कों के लिए तो नहीं बोलते हैं. सो इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड इनफ दैट वन डे वी विल जस्ट बी लाइक हाँ ठीक है, वी आर एज इक्वल एज देम. सो और कितनी तेज़ी से हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं ताकि सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो सके और हम बोल सके कि हाँ ये सब नॉर्मल है और जो वुमेन है दे आर ऑल्सो डूइंग इक्वली गुड इन एवरी फील्ड. I think pretty fast, like, yeah, everybody has put in the same amount of hard work as any other guy in our team. So, yeah, I think pretty fast and more, it's more about accepting that right now. क्या आपको पता है डीडी रोबोकॉन 2024 एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है. यहाँ पर जितने भी रोबोट्स बनाए गए हैं उन्हें रिसाइकल्ड आइटम से बनाया गया है. जानते हैं कैसे इस विशेष बातचीत में. गुजरात की टीम और गुजरात की टीम की तरह हर टीम यहाँ पर अपने जितने भी रोबोट्स बना रही है वो बहुत ही इको फ्रेंडली हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, जहाँ पे आइटम्स को वापस रिसाइकल किया जा रहा है. हमारे साथ मौजूद है गुजरात की ये टीम जिनका नाम है बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आई है और उनका जो मॉडल है वो बहुत ही इको फ्रेंडली भी है. हमें बताइए आपका मॉडल आपने इतना इको फ्रेंडली कैसे बनाया और क्या खास है इसमें. एक्चुअली हम लोग एयर टैंक के लिए स्टोरेज ढूंढ रहे थे तो सब टीम्स वाटर बॉटल यूज़ कर रही है. जब हम ट्राई कर रहे थे तब वाटर बॉटल्स फट जा रही थी तो हमने एक थिक मटेरियल यूज़ करने का सोचा. तो हमारे माइंड में यही आया कि आरओ के जो फिल्टर होते हैं वो वाटर टाइट तो होते ही है और वो थिक मटेरियल के होते हैं, तो वो यूज़ किया हमने दो सिलेंडर. और उसके साथ साथ और क्या खासियत है इस रोबोट में जिसको और भी ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाता है, पोल्यूशन लेस है और बाकी सारी खासियत. 3D प्रिंटेड पार्ट्स यूज़ किए हैं, मतलब जिसमें प्लास्टिक अमाउंट कम होता है, और हमने ऐसी मोटर्स यूज़ की है जो हीट कम प्रोड्यूस करती है, तो इस तरीके से हमने इसको इको फ्रेंडली किया. उसके अलावा हमने जो हमारे रोबोट्स है, जो हमारी पिछली बार जो पिछले साल टीम आई थी उन्होंने जो कंपोनेंट्स यूज़ किए थे तो हमने ट्राई किया कि वही ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं कंपोनेंट्स को वापस यूज़ करें ताकि हम लोग परचेज कम करें और जो हमारे पास पड़ा है मटेरियल उससे ही हम बेस्ट हमारा परफॉर्मेंस दे पाएँ. तो इसमें आपने हीट भी कम यूज़ करी है और कॉस्ट भी कम लगाया है, साथ ही साथ वापस प्लास्टिक की भी कम यूसेज है क्योंकि आप ऑलरेडी आरओ प्यूरीफायर्स को यूज़ कर रहे हैं. उसके साथ साथ सर जब हम बात करते हैं, हर साल आप लोग तीसरी बार ये आपका पार्टिसिपेशन है यहाँ पर डीडी रोबोकॉन 2024 में, जब हम आपकी तैयारियाँ देखते हैं जिस तरीके की आपकी प्रिपरेशन है इको फ्रेंडली एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाने के साथ साथ आपको इसको कॉम्पिटिशन के हिसाब से उतना फास्ट भी बनाना होता है, वो कैसे इंश्योर करते हैं आप? फास्ट करने के लिए हमने जो सब एक्चुएटर जो यूज़ किए हैं वो इसमें दो तरीके के हैं, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज न्यूमेटिक्स. तो फास्ट करने के लिए हमने न्यूमेटिक एक्चुएटर रखा है जो एयर प्रेशर से चलता है. और जब हम सारी ये आपकी इनकी कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आप सब मिलके करते हैं या फिर किसी एक का आइडिया है या जिससे आपने इंस्पिरेशन ड्रॉ की है? स्टार्टिंग में टीम मीटिंग्स होती है, उसमें हम सब थीम डिस्कस करते हैं. हर एक मैकेनिज्म इंडिविजुअली डिज़ाइन होती है, फॉर एग्जांपल ये बॉल पिकिंग अलग, ग्रीपर्स अलग, फिर हम इंटीग्रेट करते हैं उसको एक रोबोट पे कि एक रोबोट पे दो तीन टास्क कैसे हो सके. जी 3 महीने से पूरी प्लानिंग करते हैं कि कैसे रोबोट बनाना है, कैसे डिज़ाइन करना है, क्या क्या मैकेनिज्म्स यूज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से प्रॉपर जो मैकेनिज्म होती है यूज़ वो हम पूरी डिज़ाइन करते हैं और देन मैन्युफैक्चर करते हैं. हम लोग अलग अलग टाइप के वीडियोस देखते हैं, फिर उसमें से हम देखते हैं कि सबसे फास्ट मैकेनिज्म कौन सी है और उसको हम अपने रोबोट में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ईजिली उसको हम ड्राइव कर सकते हैं. अगर हम आपकी लर्निंग की बात करें और आपने मेंशन किया कि आप लोग वीडियो भी देखते हैं ताकि इसकी फास्ट मैकेनिज्म और इसको कैसे इको फ्रेंडली बनाया जाए वो भी आप लोग फोकस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री का भी ये कहना है कि इको फ्रेंडली बने, एनवायरनमेंट का ध्यान दें, वो कैसे मोटिवेट करता है आपको?
हम लोग जब भी कोई भी हमारे जूनियर्स आते हैं, जैसे कि हम लोग सीनियर्स हैं और कुछ हमारे जूनियर्स हैं, तो हम उनको भी यही हम बोलते हैं कि तुम लोग मटेरियल वेस्ट ना करें, जो हम लोग हमारे जैसे हमने ये रोबोट्स बनाए, तो अगले साल जो जूनियर्स करेंगे हम लोग उनको यही बोलेंगे कि तुम यही इन्हीं सब मटेरियल्स का यूज़ करो और ट्राई करो कि 80-90% इन्हीं सब मटेरियल्स से हमारा वापस से नेक्स्ट ईयर का रोबोट बने। और अगर फ्यूचर की बात करें तो ये सारी आपकी तैयारी, फिलहाल तो आप एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल का है, लेकिन आगे जाकर अगर आपके हम लॉन्ग टर्म करियर की बात करें, वो आपको कैसे मदद करेगा? इसमें जो स्किल्स हमने डाली है, मतलब डिज़ाइनिंग लेके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोडिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब हमें पढ़ते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो हम एक्चुअल लाइफ में कहाँ एम्प्लाई कर रहे हैं वो सब हमें इसमें से सीखने मिलता है। तो क्या कह सकते हैं कि जो अब भारत के बच्चे हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अपना दमखम दिखाने बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल तैयार जी। तो ये सुना आपने टीम गुजरात को, जो गुजरात से ये कॉलेज आया है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, पूरा एक साल लगाया है ये तय करने में और ये इंश्योर करने में कि जो इनके रोबोट सिस्टम है यहाँ पर वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। वो कैसे? ताकि वो हीट कम प्रोड्यूस करें, प्लास्टिक ये कम से कम यूज़ करें और साथ ही साथ कॉस्ट भी बचाए, ताकि एक लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट रोबोटिक मॉडल बन पाए। कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़ दिल्ली।